हम सब थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं, कोई 5 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 25 का, कोई 35, कोई 45, कोई 55, कोई 75। जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम जन्म लिए, पढ़े लिखे, बड़े हो गए और फिर इस जीवन यात्रा को पूरा करके फिर दूसरे योनि में चले गए। जन्म इसलिए मिला है कि हम जन्म मरण के चक्र से सदा से धकले स्वयं को छुड़ा लें, आवागमन के संसरण में हमको न फंसना पड़े। जीवन का प्रयोजन ये है कि हम स्वयं को जान लें, हम कौन हैं। ये कोई सावले रंग का, कोई गोरे रंग का, कोई गेहूं रंग का, कोई 5 फीट का, कोई 4.5 का, कोई 6 फीट का, ये सिर्फ देह है जो है ना, ये भोगायतन है, पंच महाभौतिक पिंड है, ये हम नहीं है। इसके भीतर हम रहते हुए अपने कर्म फल को भोगते हैं, और इसलिए क्योंकि जो हमने पहले कर रखे हैं उसको भोगे बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। जीवन ऐसे जीना है कि फिर कर्म फल के बंधन में हम ना फंसे, और उसके लिए हमको करना होगा निष्काम कर्म, मतलब जो कुछ कर रहे हैं वैसे करें कि ये हमको भगवान ने सेवा दिया है और हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हम किसी के लिए कुछ इसलिए ना करें कि वो भी हमको बदले में देगा, यहीं फंस जाते हैं हम। जैसे स्वार्थ के वशीभूत हम कार्य करते हैं, वैसे स्वार्थ जब एक कालांतर में सिद्ध नहीं होता है तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं। देखो, जिस पेड़ को लगाया उसने फल ही नहीं दिया। फल हमारे जीवन में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, जैसा हमारा कर्म रहेगा उसी अनुसार परमात्मा हमको निश्चित तौर पर देंगे। उनके विधान में कहीं भी अन्याय नहीं है। ये सब विषय वस्तु विस्तृत ढंग से हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे अगले 7 दिनों तक। भगवान राम के बारे में किसको नहीं मालूम है, ऐसा कोई है क्या जिसे मालूम ना हो राम कौन है। राजा दशरथ जी के बड़े पुत्र, अयोध्या के महाराज, अयोध्या के राजकुमार, सीता जी के जीवन साथी जिन्होंने रावण का वध किया, अनेक असुरों का संहार किया, भक्तों को दर्शन दिया, उनके जीवन को सार्थक किया, राम जी के बारे में हम भारतवासी सब जानते हैं। कथा सत्संग में कथा के बहाने हम अपना मन राम में कैसे लगाएं, राम से कैसे जोड़ें, वो कौन सी बात है जो राम के जीवन में है, यदि हमारे जीवन में उतर आए तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाए, सार्थक हो जाए। ये सब बात हम सुनते हैं, समझते हैं और अपने को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं।